सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जहाँ पर सिर्फ आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखे होंगे, यहां पर मेरा फोटो स्लाइड हो रहा है और लिरिक्स ऑटोमेटिक यहां पर आ रहे हैं। और मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा दूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरा स्टेटस यहां पर बन के रेडी हो चुके हैं। हम यहां पर कुछ भी नहीं किए हैं, मुझे सिर्फ यहां पर फ़ोटो अपलोड करना था और हम अपना फ़ोटो अपलोड कर दिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद मेरा स्टेटस बन के रेडी हो गया। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपके पास यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आप अपना स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है माई पिक स्टेटस। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा और उस वेबसाइट से आप माई पिक स्टेटस लिरिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने मोबाइल में जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। आपको जो भी वीडियो पसंद है आप उस वीडियो पर क्लिक कीजिए। वीडियो पर क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो मुझे जो सॉन्ग पसंद है उस सॉन्ग को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैटेगरी भी मिल जाते हैं, ट्रेंड, लव, सैड, फेस्टिवल, तमिल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कैटेगरी भी मिल जाती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग अवेलेबल हैं। जो भी सॉन्ग आपको पसंद आते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए और आप इसका पहले प्रीव्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि सॉन्ग को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्रीव्यू मुझे दिखा दिया है कि यह सॉन्ग मुझे किस प्रकार से बनेगा। तो ये सॉन्ग मुझे पसंद है तो इसे हम कट करते हैं। और यहाँ पर एक बटन मिल जाते हैं यूज नाउ का, तो आपको यूज नाउ पर क्लिक करना होगा। यूज नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक परसेंटेज का ऑप्शन आ जाएगा, 1, 2, 3, 100। 100 होने के बाद आपके पास एक वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करना है। वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, चूज योर पिक। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। चूज योर पिक पर क्लिक करने के बाद एक इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और जिस भी फोल्डर में आपका पिक है आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम इंस्टाग्राम फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और मेरे पास कुछ पिक अवेलेबल है, तो हम अपना पिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम 7 फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डन में क्लिक करना होगा। जब आप डन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा वॉच का, और आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो आपको वॉच पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो में वाटरमार्क आए तो आप रेंडर पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आप यहाँ पर वॉच पर क्लिक कीजिए। वॉच पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक रेंडरिंग वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, इमेज प्रोसेसिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज काफ़ी स्पीड में बढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना होगा, तो हम यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 100% हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वीडियो रेंडरिंग हो चुके हैं और अब सेकेंड वाले हो रहे हैं। सेकेंड वाले में थोड़ा समय लगता है, तो आप यहाँ पर 1 मिनट वेट कीजिए। 1 मिनट वेट करने के बाद आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, 100% कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक इस प्रकार से पेज ओपन हो चुके हैं और यहां पर मेरा वीडियो प्ले भी हो चुके हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हैं या आप अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करना होगा। व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम माई स्टेटस सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। और आप यहां पर देखिए, यहां पर मेरे स्टेटस में ये वीडियो अब लग जाएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक लिंक भी आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आप इस लिंक को यहां से हटा दीजिए।
ये लिंक अच्छा नहीं लगता है वीडियो के स्टेटस में, इसलिए आप इस लिंक को हटा दीजिए और आप यहाँ पर अब इस बटन में, शेयर के बटन में क्लिक कीजिए। इसके बाद ये स्टेटस आपके व्हाट्सएप में लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आप अपना स्टेटस वीडियो बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। सिर्फ आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा और आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा ही ऐसा वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।